आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आर्थिक संकट के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से जूझ रहा श्रीलंका रूस से तेल निर्यात करने की संभावनाओं तलाश रहा है। श्रीलंका के एक सीनियर मंत्री ने ये बात कही है। तटीय क्षेत्र श्रीलंका विदेशी मुद्रा की कमी के कारण गंभीर तेल संकट के दौर से गुजर रहा है। उसे तेल का आयात करने के लिए भारत की क्रेडिट लाइन का उपयोग करना पड़ रहा है। उसके बावजूद वहाँ पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कमी को देखते हुए कीमतों में 50 और 60 लाख श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की गई है। श्रीलंका की सरकार की ओर से ये कदम सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की ओर से दी गई उस सूचना के बाद उठाया गया, जिसमें कंपनी की ओर से सरकार को बताया गया था कि बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स कारणों से फ्यूल शिपमेंट के श्रीलंका पहुंचने में देरी होगी। इस बीच श्रीलंका सरकार में ईंधन मंत्री ने कहा कि सरकार रूस से ईंधन खरीदने की संभावनाएं पर विचार कर रहा है। श्रीलंकाई मंत्री की ओर से कहा गया कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स को खंगाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल का आखिरी जहाज जिसे श्रीलंका पहुंचना था वह रूस का ही था। रूस का जहाज होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने हमारे पहले क्रेडिट लेटर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे जहाज के श्रीलंका पहुँचने में देरी हो रही है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा कि श्रीलंका के दो मंत्री ईंधन और दूसरे राजनीय मसलों पर चर्चा करने के लिए रूस जाएंगे। पिछले हफ्ते कोलंबो में रूसी दूतावास के सुझाव पर श्रीलंका सरकार ने क्रूड ऑयल की खरीदारी के लिए कई कंपनियों से संपर्क किया था। श्रीलंकाई मंत्री ने कहा कि फ्यूल शिपमेंट जिनके श्रीलंका पहुँचने में देरी हो रही है, कब तक श्रीलंका पहुँचेंगे ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हालाँकि उन्होंने जोर देकर ये बात कही कि मंत्रालय के चार समूह फ्यूल इंपोर्ट्स को सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। वहीं सरकार ने देश में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए कतार में लोगों को राहत देने के लिए टोकन सिस्टम इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को तेल मिलना सुनिश्चित हो सके। टोकन सिस्टम श्रीलंका में बता दें कि आज से प्रभावी होगा। इसके लिए सरकार ने पुलिस और सेना के जवानों को सहायता करने को कहा है। उधर श्रीलंका में जारी गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की टॉप लीडरशिप से बातचीत के लिए उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका पहुंचा। खबरों के मुताबिक ये प्रतिनिधिमंडल तटीय क्षेत्र श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए उठाए जाने वाले प्रभावशाली कदमों पर शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श करेगा। श्रीलंका में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का चार दिनों का ये दौरा श्रीलंकाई जनता की सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा प्रयास है कि आर्थिक संकट की इस समस्या से हम श्रीलंका को बाहर निकालें और यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जो अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, उसको मजबूत बनाने में श्रीलंका की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।